अनुग्रह कार्यक्रम में आज हम मौजूद है राजधानी के मेहरौल स्थित श्री विश्वकर्मा मंदिर पर, जहां पर 9 दिवसीय श्री राम कथा का आयोजन चल रहा है। हमारे साथ मौजूद हैं भाजपा नेता मनोज शर्मा जी। मनोज शर्मा जी, रूबरू कार्यक्रम में आपका स्वागत है, धन्यवाद। एक तो आप राम कथा में आए हैं, दूसरा आज 500 वर्षों बाद अयोध्या में भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा हुई है, एक लंबा इंतजार था, किस तरह से आप अपनी खुशी जाहिर करेंगे? आज तो खुशी का अपार वो है, पूरी कोई समुंदर बह रहा है मतलब पूरे से शरीर के अंदर, और कंपनसी होती है समझ के भी कि आज 550 वर्षों के बाद भगवान श्री राम, जिनको हम बचपन से देखते हुए आए हैं, आज वो अपने मंदिर में विराजमान है। टेंट से निकलकर और बहुत तपस्या हमारे बड़े बुजुर्गों ने की है, किसी ने संघर्ष कानूनी रूप से लड़ा, किसी ने आंदोलन में भाग लिया, पर सभी की सपना यही था कि भगवान श्री राम जी अपने भव्य मंदिर में दोबारा से आए, और आज वो भव्य दिन हमारे बीच में है, तो खुशी का तो अपार होता है। बहुत खूब। हमारे साथ मौजूद हैं राम भक्त योगेंद्र तोमर जी। तोमर जी, कितनी खुशी से हो रही है आज 500 वर्षों बाद भगवान राम अपने मंदिर में प्रतिष्ठित हुए, उनकी प्राण प्रतिष्ठा। नमस्कार जी, और आपका स्वागत करते हैं। अब विश्वकर्मा मंदिर में आए हैं और आज इतनी खुशी हो रही है, और 9 दिन से जो हम राम कथा कर रहे हैं, और पब्लिक का जनसमूह आप दिखा भी सकते हैं कि यहाँ पर राम कथा में कितने आ रहे हैं, सिर्फ इसीलिए कि सबको राम से इतना प्रेम है, और हर आदमी चाहता था कि राम कथा हो हर जगह हर घर में, और उसी लिए जो है ना इतनी पब्लिक आई हुई है, और इतनी खुशी है कि मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता, इतनी ज़्यादा खुशी है मुझे। थैंक यू सर, बहुत बहुत बधाई आपको। आपका शुभ नाम? जय श्री राम। आपका शुभ नाम? वेद प्रकाश खट्टर जी। वेद प्रकाश जी, कितनी खुशी महसूस हो रही है 500 वर्ष बाद आप राम लला अपने मंदिर में प्रतिष्ठित हो? बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है, ऐसा जिंदगी में पहली बार अपने जीवन में सुना है कि 500 साल से मंदिर की प्रतीक्षा कर रहे थे, और हम अयोध्या में पहले भी गया था जहाँ रामलला टेंट में थे, तो हमें बहुत ही दुख से मतलब दर्शन तो हुए, लेकिन बहुत ही दिक्कत हुई कि हमारे खुले में रामलला थे। अब आज दिल इतना खुश है कि हम अपना सीना फाड़ के भी नहीं दिखा सकते कि हमें कितनी खुशी हुई है। बहुत खूब। आपने देखा भक्तों की खुशी, वो कहते हैं हम खुशी को जाहिर कर ही नहीं पा रहे, इतनी खुशी है कि अपना सीना भी फाड़ दें हनुमान जी की तरह, तो अभी खुशी को जाहिर नहीं कर पाएंगे। बहुत खूब। आप थोड़ा सा इधर आ जाइए। आपका शुभ नाम? इंदू शर्मा। आज कितनी खुशी महसूस हो रही है 500 साल बाद भगवान राम अपने मंदिर में प्रतिष्ठित? आज बहुत खुशी का दिन है, और हमारे 500 सालों का संघर्ष जो हमारा था, हमारे पूर्वजों ने जो आहुतियाँ दी थी अपनी, आज वो सफल हुई है, और हमारे रामलला जी अपने स्थान में जो उनका अधिकार था वो उनको प्राप्त हुआ है, और हमें बहुत ही खुशी है, और पूरे विश्व को बहुत खुशी है, और हमारे पूरे देश में दिवाली की तरह इस दिन को मनाया जा रहा है। बहुत बहुत बधाई है आपको। हमारे साथ मौजूद हैं लवकेश चावला जी, जो कि रामलीला में लक्ष्मण जी का रोल बखूबी निभाते हैं। लवकेश जी, आज कितनी खुशी महसूस हो रही है रामलला अपने मंदिर में प्रतिष्ठित? देखिए, पूरे विश्व के जो भी हमारे सनातनी हिंदू भाई बहन हैं, सबसे पहले तो रामलला के पुनरागमन की उनको सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ, उनको हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। और मन के अंदर कैसे भाव उठ रहे हैं आपने सवाल पूछा, उसके लिए तो मैं निशब्द हूँ। ऐसे भाव हैं कि मैं कह ही नहीं सकता, उनको वाणी के अंदर मैं बता नहीं सकता कि मेरे मन में क्या भाव हैं, क्योंकि 500 वर्षों का संघर्ष और अनगिनत हमारे साथियों ने, हमारे पूर्वजों ने उसके लिए जो बलिदान दिए, उसके लिए मेरे पास शब्द नहीं है। आज मैं टेलीविज़न पर देख रहा था, तो उसमें प्रसारण आ रहा था, उसके अंदर बता रहे थे कि जिस समय बाबर वहाँ पर आया था, उस समय अयोध्या के लोग, छोटे छोटे बच्चे भी अपने हथियार हाथ में लेकर उसका विरोध करने के लिए उतरे थे, और अयोध्या की और हमारे हिंदुस्तान की गलियाँ खून से लाल हो गई थी। वो खून से लथपथ हो करके उसने हमारी जो है हमारी आस्था को ठेस पहुंचाई थी बाबर ने, लेकिन आज वो सभी अपने धाम में बैठे हैं, भगवान श्री राम के चरणों में बैठे हैं,
जिन्होंने वीर गति को प्राप्त हुए थे, आज वो सभी मोक्ष को प्राप्त हुए होंगे। उनको बहुत खुशी हुई होगी कि आज प्रभु श्री राम, जिसके लिए उन्होंने बलिदान दिए, वो प्रभु श्री राम अपने धाम में वापस लौट गए हैं। इसके लिए आज कहने के लिए मेरे पास शब्द नहीं। आप एक बहुत अच्छे सिंगर भी हैं, कुछ गा के ही भगवान राम को पुष्पांजलि दे। देखिए, मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि जो प्रभु श्री राम को लेकर आए हैं, उनका स्वागत अभिनंदन वंदन तो बनता ही है। कुछ गा के आज से 75 साल पहले भी बहुत कांग्रेस की सरकारें थी, कुछ नहीं किया। समाजवादी पार्टी की सरकार थी जिसने राम भक्तों के ऊपर गोलियां तक चलवा दी, राम भक्तों को वहां गोलियों से भून दिया, तो उनका अभिनंदन वंदन क्या करना है। कुछ संत कहते हैं कि हमें तो मोदी जी का स्वागत करना है, लेकिन विरोधी कहते हैं मोदी का क्यों, योगी का क्यों। अरे भाई, जो राम जी को लेके आए हैं, स्वागत वंदन अभिनंदन तो उन्हीं का होगा, या जिन्होंने गोलियां चलाई उनका स्वागत होगा। तो मैं उनके लिए कहना चाहता हूँ, स्वागत है। जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, दुनिया में फिर से हम भगवा लहराएंगे, दुनिया में फिर से हम भगवा लहराएंगे। अयोध्या भी सजा दी है, काशी भी सजा दी है, मेरे श्याम कृपा कर दो, घन श्याम कृपा कर दो, मथुरा भी सजाएंगे, मेरे श्याम कृपा कर दो, मथुरा भी सजाएंगे। जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। बहुत खूब। एक और सवाल, कुछ लोग अब ये चर्चा करने लगे हैं कि जैसे भगवान राम ने जन्म लिया, अवतार लिया, भगवान कृष्ण ने अवतार लिया, और वो एक आम आदमी की तरह उन्होंने जीवन व्यतीत किया, तो लोग ये भी कहने लगे हैं कहीं ये अवतार तो नहीं है जिसने हिंदू धर्म की रक्षा के लिए अपना सब कुछ न्योछावर कर दिया। देखिए, हिंदू धर्म की रक्षा के लिए प्रभु श्री राम ने, और हमारे ग्रंथों में, हमारे पुराणों में लिखा गया है, जब जब हुई धर्म की हानि, बाढ़ ही असुर अधम अभिमानी, तब तब प्रभु धरी विविध शरीरा। तो प्रभु ने विविध शरीरों का उस समय मानव के रूप में ही आकर उद्धार किया है और हिंदू धर्म की रक्षा की है। तो आज कलयुग के अंदर जैसे अपराध बढ़ गए थे, व्याधियां बढ़ गई थी, तो उसका उद्धार करने के लिए हमारे मोदी जी, हमारे योगी जी एक संत के रूप में आए हैं। भगवान का रूप नहीं है, लेकिन संत भी आता है उद्धार करने के लिए। उन्होंने प्रेरणा दी, हिंदू को, सनातनी को जागृत किया, तो हिंदू धर्म की रक्षा के लिए मोदी जी और योगी जी का भी बहुत बड़ा योगदान है। वो बेशक से प्रधानमंत्री हैं, लेकिन मैं उनको बहुत बड़ा संत और महंत मानता हूँ। ऐसा नहीं है कि संत प्रधानमंत्री नहीं बन सकता। आज हमारे योगी जी बहुत बड़े संत हैं, वो मुख्यमंत्री हैं, और बहुत बड़े संत हमारे मोदी जी हैं, वो प्रधानमंत्री हैं। उनका हमें स्वागत करना चाहिए, अभिनंदन करना चाहिए। बहुत खूब। लवकेश चावला जी का स्पष्ट कहना है, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। स्पष्ट है, हमारे जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने 10 साल पूरे इससे लड़ाई की, और आज भगवान राम 500 वर्षों के बाद अपने मंदिर में स्थापित हुए हैं, उनके प्राण प्रतिष्ठा हुई है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, और बहुत बहुत बधाई है आपको सबको। कैमरामैन अजीत तोमर के साथ वीपी शर्मा, INS। Hare Rama, Rama Rama, Rama Rama, Hare Hare।
मिला है।